कॉकरेल पैड्स को दाना वगैरह हटा देते हैं। और यहाँ ओए भाई वो तोते किधर गए? ओ भाई दरवाज़ा खुला हुआ और तोते दोस्तों एक भी नहीं है। ओश भाई साहब यार ये क्या हो गया? पिंजरा दोस्तों खुला हुआ है और हमारे सारे के सारे तोते इसमें नहीं ही नहीं बाहर निकल गए हैं। और ये देखें ये पता नहीं किसने यहाँ पे मुझे लगता है अरे भी दाना पानी करने आया है, ये लगाने ही भूल गया क्योंकि ये इस तरीके से था। मुझे लगा तोता यहाँ आया और इसका दरवाज़ा खुल गया और सारे तोते उड़ गए। ये तो यार अजीब सीन हो गया यार, ये कैसे हो सकता है यार मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे यार दरवाज़ा खुला हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसमें कॉकटेल पैड्स और हमारे बजीज थे गए भाई। मैं दोस्तों छत पे आया हूँ देखने के लिए कि यार शायद यहाँ से कोई तोता से होता नज़र आ जाए, देखते हैं कहीं यहाँ दरख्त वगैरह पे ना कहीं बैठा हो। यहाँ पे अरे यार दोस्तों ये तो यार हमारा एक नुकसान हो गया बहुत बड़ा, ये तो पिंजरा ऐसे ही हमारा खाली पड़ा हुआ है। लेकिन तोते किधर गए? तोते आके कहाँ जा सकते हैं? मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों के साथ प्रैंक किया यार। तोते मैंने सारे के सारे जो है ना वहाँ पे अपने पुराने घर में शिफ्ट कर दिए हैं, वहाँ भी चलते हैं। वहाँ जाके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि भाई क्या सीन हुआ है। ये मैं आप लोगों को डरा रहा था कि यार तोते हमारे सारे के सारे उड़ गए। तो खैर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम घर चलते हैं, वहाँ जाके आप लोगों को सारे डिटेल्स बताता हूँ। भाइयों कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार आप लोगों को बता दो दोस्तों, वहाँ पे जो कॉकरेल पैड्स और बजीज थे ना वो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिए मैंने, ठीक है। और आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों, ये देखें ये रहे दोस्तों हमारे कॉकरेल पैड्स, वापस यार हमारे सेटअप पे आ गए हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारे जो बजीज हैं दोस्तों ये भी मैंने यहाँ पे ला के छोड़ दिए क्योंकि यार इनकी शुरू से पैदाइश इनकी यहीं पे है और इनका मैंने केज भी खुला ही रखा। मैंने कहा यार इधर आना होगा इधर चले जाएंगे, उधर आना होगा उधर चले जाएंगे। और जब से दोस्तों हमने इन चिक्स को अलहदा किया ना मुर्गी के साथ से, मुर्गी ने भी अपना कुड़क तोड़ दिया और ये भी इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कुछ दिनों में अंडे देना शुरू कर देगी। दिया हुआ तो नहीं है? नहीं। और इसने देखे दोस्तों कुड़क भी अपना तोड़ा हुआ है, तो बस इसके इंशाल्लाह दोस्तों अंडे हमने कलेक्ट करने हैं और उसके बाद इसको या तो जैरी के नीचे अंडे रख के इसको बिठाएंगे या तो इनक्यूबेटर में रख के बिठाएंगे। मेरे ज़्यादा यार जैरी के नीचे रखें क्योंकि वो काफ़ी देर से कुड़क हुआ हुआ है, 3 महीने से यार वो कुड़क हुआ हुआ है जैरी हमारा, अभी तक उसने कुड़क ही नहीं तोड़ा। अभी भी एक नीचे अंडा पड़ा हुआ है, उसकी मैंने अंडे देने वाली जगह भी बनानी है। अभी फ़िलहाल अंदर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ हमने बर्ड्स वगैरह, और यहाँ पे भी देखते हैं शायद डायमंड डव्स के और वगैरह बच्चे निकल आए, और आज अपने फिंचेस का बच्चा भी देखते हैं। पैड्स ने ना एक नुकसान कर दिया, यहाँ पे जो दोस्तों मैंने प्यारा लगाया हुआ था ना ये भाई इन्होंने तोड़ के नीचे फेंक दिया। देखिए दाना मुझे इनमें डालना पड़ा, कुछ आगे जाके ना उस वाले एवरी में भी हम डाल देते हैं। तो कुछ दाना दोस्तों ने मैंने यहाँ डाल दिया और अब अपने फिंच का बच्चा देखते हैं कि भाई बचा हुआ भी है कि नहीं। मुझे लग रहा है दोस्तों बच्चा ही गायब हो गया यार। फिंचेस ने यार और अंडे दे दिए हैं लेकिन इनका बच्चा मुझे नजर नहीं आ रहा किधर गया, कहाँ गया फिंच का बच्चा? तो यार यहीं पे था। देखें दोस्तों फिंचेस ने और अंडे दे दिए यार यहाँ पे लेकिन इसका बच्चा नहीं नजर आ रहा किधर गया। मैं यार पता नहीं किधर चला गया दोस्तों, नीचे ढूंढता हूँ शायद नीचे कहीं पड़ा हुआ हो या तो चूहा ने दोस्तों खा लिया हुआ है, मुझे तो ये शक पड़ रहा है। यहाँ देखते हैं यहाँ पे भी नहीं है, कितने टाइम बाद जाके यार बच्चा निकला था, वो मुझे लगता है या तो चूहा खा गया या तो नीचे गिरा है और वो भी किसी ने कुछ खा लिया कीड़ी वगैरह मटकी वगैरह। यार अभी मैंने कॉकटेल पैड्स की लगाई नहीं है, अभी दाना पानी डाला है देखें आप लोगों के सामने मटकियाँ जो इंशाल्लाह यार इनकी आके लगाएंगे फारिक टाइम में, जब आएगा ना शाम के टाइम ठंडे टाइम आएंगे तो उस टाइम आकर इनके सारे की सारी जितनी मटकियाँ ना वो लगा देंगे ताकि उसमें अंडे दिया करें। अभी आप लोग नीचे जाके जहरी दिखाते भाई हमारी मुर्गी दोस्तों, देखिए जहरी अभी तक कुड़क हुआ है, देखें कुड़क वाली आवाज़ें निकाल रहे हैं। और ये हमारी फैंसी मुर्गी का इस बैंटम का अंडा है, बैंटम ने अंडे देना शुरू कर दिए। इनकी स्टिक मैंने लगाई हुई थी यहाँ पर, इनकी कहीं मैंने जगह बनाई जहाँ पर यार ये अंडे दिया करें जाके, तो ऐसा कुछ सीन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल इसका अंडा उठाते हैं यहाँ से और घर लेके चलते हैं, अंडों को मैं कलेक्ट करूँगा, उसके बाद जब ज़्यादा हो जाएंगे ना फिर इसको अपने कमरे बॉक्स में बताने आ तो इनक्यूबेटर में अंडे रखें या इस मुर्गी के नीचे अंडे रख के बच्चे निकलें। ताकि दोस्तों तेज़ बारिश आ गई, मैं बाइक अंदर करने गया था तो भीग गया हूँ पूरा का पूरा, और वैसे भी यहाँ आपको भीगे होगी मैंने कहा चलिए ऊपर जाकर बना लेते हैं। तो भाई ये देखें फुल हैवी किस्म की जो है ना इस टाइम बारिश हो रही है, क्या ही बात है। और मैं दोस्तों नहाने के लिए आ गया, क्या बात है यार का, मुझे मज़ा आ रहा है दोस्तों होली इंजॉय कर रहा हूँ भाई मैं तो। यहाँ पे मोबाइल के अंदर पानी जा रहा है, बाद में मिलते हैं भाई, मैं इंजॉय कर रहा हूँ।
तो दोस्तों बारिश जो है रुक चुकी है यार, काफ़ी मज़ा आया हिमाचल में। तो भाई फुल इंजॉय किया मैंने, आप लोगों को बताया मैं बाइक अंदर करने गया, इतनी तेज़ बारिश थी कि बाइक अंदर करने में जो मैंने पूरा भीग गया था। और ये देखें भाई कैसे ज़बरदस्त सीन हो गए यार, आसमान में बादल वी आई पी किस्म के हो गए हैं, चेक करें। आए हाय 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 क्या बात है। तो हमारी छत भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, जब से यहाँ पे कबूतर का ना दाना वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो जब से बारिश शुरू हो जाती है ना एकदम फिर सारा लशपश हो जाता है। तो ये बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त सीन हो गया है। यहाँ से भी देखें कितने सारे बादल अभी उस वाली साइड से आ रहे हैं। तो खैर अभी हम नीचे जाते हैं दोस्तों, नीचे जाके फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर खाना खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। परिंदे भी खुश हो गए होंगे भाई आज तो। कल भाई बारिश हुई और आज देखें भाई फुल कड़ाके किस्म की धूप निकली हुई, चेक करें भाई। फुल वीआईपी किस्म का मौसम हुआ था कल को, लेकिन अब जो है भाई बड़ा ही हैवी सीन हो गया। अभी मैंने घर जाना दोस्तों, घर जाके आप लोगों को पता है बर्ड्स की याद केयर करते जाके, और मैं सोच रहा हूँ यार इतनी गर्मी में जाऊँगा कैसे, और धूप काफ़ी देर निकली है, अगर कल जैसा मौसम हो जाएगा ना तो मज़ा आ जाता है। खैर अभी बाइक आती है तो फिर हम निकलते हैं दोस्तों घर की तरफ, और वहाँ जाके कुछ देखते हैं हमने क्या करना है। तो दोस्तों घर की तरफ जा रहा हूँ यार, मैं अकेला ही जा रहा हूँ क्योंकि घर में मैं चले अकेले ही चलते जाके देखते हैं, फिर घर पे सेटिंग करते हैं। दाना भी मैं लेके जा रहा हूँ वहीं पे रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कॉकटेल पैड जब थे तब दाना मैं उसका रखता था, लेकिन अब उधर ही रखेंगे। तो फिलहाल अभी हम घर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे चिक्सला अब दाना बड़े ही शौक से खाते हैं, ये इसलिए खा रहे हैं क्योंकि यार एक किस्म के जैसे बकरों के अंदर होते हैं ना चोकर डालते हैं तो वो खाना शुरू करते हैं, इस तरह मैं क्या करता हूँ जो परिंदों वाला दाना ना ये वाला, ये मैं थोड़ा इसमें मिक्स कर देता हूँ, देखें शौक से खा रहे होते हैं, तो उनको भी मैं इसी तरह करता हूँ, और उन वाले बर्ड्स को भी मैं इसी तरीके से करता हूँ। जो हमारे नीचे जैरी वगैरह हैं वो भी इसी तरीके से खाते हैं, पता है इनको ये वाला दाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं दोनों को मिक्स कर देता हूँ तो ये खा रहे हैं। जो हमारे दोस्तों यहाँ पे जोड़ा ना, इसकी मैंने यार बैठने की जगह भी बना दी, और जो अंडा जो इनके अंडे देने वाली जगह ना वो भी मैंने सेट कर दी है, यहाँ पर अंडे देगी इंशाल्लाह, इसके अंडे यहीं से कलेक्ट करेंगे, और जैरी के अंडे भी कलेक्ट करके, जैरी को मेरा इरादा है अंडों पर बिठाने का। ये देखें दोस्तों हमारी मुर्गी जो है ना, मुर्गा अंदर जाके बैठ गया मुर्गी को बुलाने के लिए, भी आज सीन अच्छा होगा इंशाल्लाह, यहीं पर अंडे देगी अभी, तो अभी इनके अंडों का इंतजार, जैसे इनके अंडे आएंगे इंशाल्लाह कुड़क उठाने। दोस्तों ये वाला जहरी है ना, ये बड़ी मुर्गी है, ये भी यार अंडे अब आवाज़ निकालना शुरू हो गई है, ये देखें, तो इसका भी यार है कि ये अंडे देना शुरू कर देगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अभी मैं यहाँ से कोई पेटी वगैरह उठाता हूँ, नीचे जाके ना जहरी का भी कोई घोंसला बनाते हैं जहाँ पर जहरी अंडे दिया करें, यहाँ पर इंशाल्लाह मुर्गी अंडे देगी और इधर से कलेक्ट करेंगे इसके अंडे। जाती यार बैंटम जो है ना अंदर जा गया, ये देखें इसने अंदर बैठना शुरू कर दिया, इंशाल्लाह मुर्गी यहीं पे अंडे देगी। वो दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगा, पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बाकी जहरी का आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है, जो हम अंडे कलेक्ट करने लगे हैं वो हम जहरी के नीचे रखे हैं, अपने इंक्यूबेटर के अंदर रखे बच्चे निकलवाए हैं उनके, तो ये आप लोगों ने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे चला कल, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।